नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सबका अपने मैथ्स चैनल DRS मैथ्स पर स्वागत करता हूं। चैनल से रिलेटेड डिटेल्स आपके सामने हैं, जहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज हमारे तक भेज सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं पाइप एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन, उसके चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। चूंकि वर्क एंड टाइम हमने अभी कंप्लीट किया है, ये उसी से रिलेटेड है, या अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो पाइप एंड सिस्टर्न भी वर्क एंड टाइम ही है। कैसे हम दोनों को कोरिलेट करते हुए आज देखते हैं कि कैसे एक ही कॉन्सेप्ट से हम दोनों को सॉल्व करेंगे, और आज के बाद फिर आपको कभी भी पाइप एंड सिस्टर्न की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ये मेरा दावा है, अगर आपने इसको सही से देखा तो। ठीक है, चलिए बिना टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। देखिए, हम इसको दो तरह से कर सकते थे। एक तो ये, हम आपको पहले कॉन्सेप्ट बताते फिर क्वेश्चन बताते, इसमें दो तीन पार्ट लग जाता, ज्यादा टाइम लगता। हम कम टाइम में इसको करना चाह रहे हैं और इजीली आपको आसानी से समझाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए देखिए हम इसको टाइप वाइज कैटेगराइज कर रहे हैं। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसा होगा और इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए, फर्स्ट टाइप का एक ही एग्जाम्पल मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो कि SSC में पहले भी आ चुका है। ठीक है, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये है कि एक पाइप है जो किसी टैंक को एक घंटे में खाली कर सकती है, एक दूसरा पाइप है जो उसी टैंक को 30 मिनट्स में खाली कर सकती है। अगर दोनों पाइप्स को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो ये टैंक कितने टाइम में खाली हो जाएगा। मतलब आप ऐसे समझो कि भाई ये एक टैंक हो गया, इस टैंक को खाली करने के लिए एक पाइप इधर से, एक पाइप इधर से, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये एक घंटे का टाइम लेता है, मतलब 60 मिनट हो गया, और ये 30 मिनट्स का टाइमिंग लेता है। ठीक है, अब ये है कि ये दोनों ही पाइप इस टैंक को खाली कर रहे हैं, तो हम आपको इसमें देखो वर्क एंड टाइम का कैसे कॉन्सेप्ट लगाएंगे। आप ये देखो कि दो है, ए और बी। ठीक है, ए कितने टाइम में खाली कर रहा है, टाइमिंग लिखते थे, याद करो वहां पे डेज लिखते थे, यहां पर मिनट्स या जो भी टाइम होगा वो लिखेंगे। ए 60 मिनट में, बी कितने टाइम में, 30 मिनट्स में। क्लियर। अगला स्टेप हमारा होता है कि हम एक ऐसा नंबर लें जो दोनों से डिवाइड हो जाए, तो ऐसा नंबर है हमारे पास 60। 60 से 60 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 60 को 30 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। ये 1 और 2 क्या है, ये है इफिशियंसी। अगर टाइम एंड वर्क का लेक्चर याद करो तो यहां पर टाइम होता है, यहां पर इफिशियंसी होता है, और ये है जो टोटल वर्क है। तो ऐसे समझो ये टोटल वर्क है 60, इसको हमें खाली करना है। अगर ये खाली करेगा तो इसकी इफिशियंसी 1 है, इसका इफिशियंसी 2 है, क्षमता 2 है। हम क्या करते थे, ये दोनों ही टाइम से एक ऐसा नंबर लेते थे जो दोनों से डिवाइड हो जाए, दोनों से डिवाइड करते थे, जो बार जब कोशेंट आता है उसको यहां पर लिखते, इन दोनों को ऐड कर लो। देखो दोनों ही पाइप इसको खाली कर रहे हैं तो दोनों की इफिशियंसी जोड़ लो, जब दोनों खाली कर रहे हैं तो दोनों को जोड़ लो, दो और एक मिला करके कितना हो गया 3। टोटल क्या कितना वर्क है 60, और उसमें दोनों को मिला के कितना हो रहा है 3, तो 60 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो जो ये 20 मिनट आएगा, दिस इज द आंसर। दोनों पाइप अगर मिल करके इसको खाली कर रहे हैं तो वो 20 मिनट में खाली कर दे रहे हैं। ठीक है, 60 ये टोटल टैंक है जिसको खाली करने के लिए दोनों पाइप लगे हुए हैं, ये पाइप जब तक एक खाली करेगा उतने टाइम में ये दो खाली कर चुका होगा, क्या लीटर या जो भी अमाउंट मान लो, एक यूनिट ये खाली कर रहा है उतनी देर में ये दो यूनिट खाली कर दे रहा है, तो दोनों मिलाकर के 3 यूनिट खाली कर रहे हैं। टोटल कितना यूनिट है टंकी में 60, तो 60 यूनिट को 3 यूनिट एक मिनट में खाली हो रहा है तो कुल कितना टाइम लगेगा 20 यूनिट्स। सेम वर्क एंड टाइम का है। ये हुआ टाइप वन का क्वेश्चन। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा, एक पाइप, दो पाइप, मान लो यहां पे तीसरा भी पाइप रहता, मान लो सी रहता, और इसका टाइमिंग दे देता 20 मिनट, तो भी देखो तीनों को मिला के 60 मिनट हुआ, मैं 20 या 60 लिखता, 3, 2, 5, 1, 6, तीनों को मिला करके लिखता, ये कितना हो जाता 6 यूनिट। अब ये 60 को मैं 3 की जगह 60 को मैं ये 6 यूनिट से डिवाइड करता, अगर तीनों पाइप मिल करके इसको खाली करेंगे तो टोटल टाइम इसको लगेगा 10 मिनट खाली होने में। चार पाइप होगा तो चारों का यूज ऐसे करके निकाल लेंगे। सभी पाइप अगर खाली कर रहे हैं तो ये तरीका हुआ, सबकी इफिशियंसी जोड़ लो, टोटल यूनिट को इनकी इफिशियंसी से डिवाइड कर दो, जो आएगा आंसर वो टाइम होगा। और याद रखना टाइम सबका एक ही होना चाहिए, पाइप ए का 1 आवर दिया है, इसका मिनट दिया है, तो दोनों को या तो आवर में बदलो या मिनट में। ठीक है, अगला टाइप देखो। अब जैसे देखिए टाइप टू, टाइप टू का क्वेश्चन क्या है। टाइप वन में क्या मैंने बोला कि दोनों पाइप टंकी को खाली कर रहे थे,
टाइप टू में क्या है कि एक पाइप उसी टैंक को 45 आवर्स में फिलअप कर सकता है, भर सकता है। दूसरा पाइप सेम टैंक को 30 आवर्स में, मतलब पाइप ए 45 आवर्स में भर रहा है और पाइप बी उसको 30 आवर्स में फिलअप कर रहा है, ठीक है। अगर दोनों एक साथ ओपन कर दिए जाए तो कुल कितना टाइम लगेगा जितने में वो टंकी पूरी भर जाए, ठीक है। पहले दोनों खाली कर रहे थे, अभी दोनों भर रहे हैं। देखो ए 45 आवर्स टाइम ले रहा है और बी कितना टाइमिंग ले रहा है, 30 आवर्स का। तो हमने बोला अगला काम क्या करना है, ऐसा नंबर लो जो 45 और 30 दोनों से डिवाइड हो जाए। ऐसा नंबर हमको समझ में आता है 90, आप कुछ भी ले लो, जो भी नंबर आपको मन करे। अब ये 90 को 45 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 90 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये टंकी को भरने के लिए टोटल 90 यूनिट वर्क करना पड़ेगा। ये 90 यूनिट चाहिए टंकी को भरने के लिए, ठीक। पहला पाइप जितनी देर में 2 यूनिट भरता है उतनी ही देर में दूसरा पाइप 3 यूनिट भर दे रहा है, तो दोनों मिलाकर टोटल कितना यूनिट भरा जा रहा है, 5 यूनिट, ठीक है। तो 90 यूनिट भरने में कितना टाइम लगेगा, तो आप क्या करो 90 को 5 से डिवाइड कर दो, तो 90 बाई 5 करोगे तो 18 आएगा। टाइम क्या लिखना है, जो यहां पर है, दोनों का टाइमिंग आपको सेम रखना है। अगर ये आवर्स में है तो ये आवर्स में हो गया, मतलब अगर पाइप ए और पाइप बी दोनों एक साथ ओपन कर दिए जाए तो ये जो टैंक है जो अलग अलग 45 घंटे और 30 घंटे में भरते, दोनों पाइप ओपन कर दिया तो 18 घंटे में भर जाएगा। बस आपको यही करना है, इससे आसान कुछ है नहीं। दोनों खाली कर रहे हैं, दोनों को जोड़ करके टोटल यूनिट से डिवाइड कर दो। भाई वो पिछले में क्या था, 3 यूनिट उतने मिनट में खाली हो रहा है, तो 60 यूनिट कितने मिनट में खाली होगा। यहां पर 5 यूनिट एक घंटे में भर रहा है, तो 90 यूनिट कितने घंटे में भरेगा, 90 बाई दिस। ये जो जोड़ने पर जो आता है ये यूनिट टाइम में आता है। यूनिट टाइम का मतलब अगर घंटा है तो ये एक घंटे का काम है, अगर ये मिनट है तो एक मिनट का। भर रहा है तो भरने वाला है, घंट अगर खाली हो रहा है तो खाली करने वाला टाइमिंग है। आई बात समझ में। अगला देखिए, अगला यूनिट देखिए, ये है थर्ड टाइप का क्वेश्चन। थर्ड टाइप में क्या है, एक पाइप जो किसी सिस्टर्न का मतलब ही होता है टंकी, ठीक है, उसको 10 घंटे में भर रहा है, क्या कर रहा है, फिलअप कर रहा है, जबकि एक दूसरा पाइप उसी टंकी को खाली कर रहा है 15 घंटे में। पाइप ए 10 घंटे में भर रहा है और पाइप बी 15 घंटे में खाली कर रहा है, ठीक है। तो अब एक चीज आप यहां पे ये समझ लो कि अगर खाली करने वाला पाइप ज्यादा टाइम ले रहा है भरने वाले पाइप से, तो ये टंकी भर जाएगी। भाई 10 घंटे में भरता है, ये 15 घंटे में खाली करता है। सीधा सीधा समझो कि जब खाली करने वाले पाइप का टाइम ज्यादा लग रहा हो, भरने वाले पाइप का टाइम कम लग रहा हो, तो टंकी भर जाएगी। अगर भरने वाली पाइप ज्यादा टाइम ले रहा है, खाली करने वाला कम टाइम ले रहा है, तो टंकी खाली हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में भी आपको ऐसे ही मिलेगा, भरने वाला 10 घंटे ले रहा, खाली वाला 15 घंटे ले रहा, मतलब टंकी भरेगी। अब क्या बोल रहे हैं कि अगर इस टंकी को पूरी तरह से भरना है, ये अगर ये टंकी पूरी तरह से खाली है, एम्प्टी है, और दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, तो क्या होगा, टोटल कितना टाइम लगेगा इसको फिलअप करने में। भरेगी तभी जब भरने वाले का टाइम कम लग रहा है। तो भाई देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन अलग होगा। पहले क्वेश्चन में क्या था, दोनों पाइप खाली कर रहे थे, दूसरे क्वेश्चन में क्या था, दोनों पाइप भर रहे हैं। तो दोनों भर रहे होंगे या दोनों खाली कर रहे होंगे, तो ऐसी कंडीशन में हम इफिशियंसी को जोड़कर टोटल यूनिट को डिवाइड करेंगे, सीधा सीधा काम। लेकिन यहां पर देखिए, पहले ए का देखिए कितना है, 10 घंटे, बी का कितना टाइमिंग है, 15 घंटा, ठीक। अब पहले तो वो टाइम, ऐसा नंबर लो जो दोनों से डिवाइड हो जाए, तो नंबर हमको मिल गया 60, 30 भी है, 30 भी कर सकते हैं, चलो मान लो 30 कर देते हैं, ये लो 30, 30 10 से भी डिवाइड होगा 15 से, तो 10 या 30 और 15 दूना 30, ठीक है। अब एक चीज याद रखिए, जब दोनों खाली कर रहे थे तो हम दोनों को जोड़ करके टोटल को इससे डिवाइड कर रहे थे, यानी कि हम 30 को किससे डिवाइड करते, दोनों को ऐड करके। अगर दोनों खाली कर रहे होते या फिर अगर दोनों भर रहे होते तो भी मैं 30 को किससे डिवाइड करता, 5 से, 3 और 2 5 लेता, 5 से डिवाइड करता, 6 हमारा आंसर होता। लेकिन ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ए भरने वाला है, बी खाली करने वाला है, ए जितनी देर में 3 यूनिट भरेगा, बी उतनी देर में 2 यूनिट खाली कर देगा, तो टोटल
अब जो ज्यादा होगा वही होगा, भरने वाला ज्यादा है इसलिए टंकी भरेगी, तो हम इन दोनों को घटाएंगे, अंतर लेंगे, डिफरेंस लेंगे। जब एक भरने वाला और एक खाली करने वाला बिल्कुल उल्टा हो, दोनों भर रहे हैं तो जोड़ेंगे, दोनों खाली कर रहे हैं तो भी जोड़ेंगे, एक भर रहा है एक खाली कर रहा है तो अंतर निकालेंगे, जो अंतर आएगा उस अंतर उस डिफरेंस से इसको डिवाइड करेंगे। तो 3 माइनस 2 करो क्या मिलेगा 1, तो 30 को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 30। टाइम क्या है, आवर्स में है तो घंटा, ठीक है, ये 30 आवर्स में ये टंकी भर तो जाएगी, लेकिन इसको भरने में कितना टाइम लगेगा, 30 घंटे लगेंगे, 30 आवर्स। समझ गए? तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा, एक टंकी को भर रहा हो दूसरा खाली कर रहा हो, तो हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे और इसको डिफरेंस से डिवाइड करेंगे। टंकी भरी या खाली हुई ये डिपेंड करेगा कि टाइम किसका कम है, अगर भरने वाले का टाइम कम है तो इतने टाइम में टंकी भर जाएगी, और ये टाइम उल्टा कर दो तो खाली करने वाले का टाइम, मान लो अगर इस चीज को हम यहां पे क्या कर दें, इसको 15 कर दें और इसको 10 कर दें, तो क्या हुआ कि भरने वाला ज्यादा टाइम ले रहा, खाली करने वाला कम टाइम ले रहा, तो इतना ही टाइम लगेगा, लेकिन इतने टाइम में क्या होगा, टंकी खाली हो जाएगी, ठीक है। ये खाली टंकी लिया, खाली टंकी को भर रहे हैं, और जब भरी टंकी होगी तो उसको खाली करेंगे, कैसे, उसका अगला टाइप देख लो, टाइप 4 देखते हैं। अब जैसे देखिए ये दूसरा नेक्स्ट टाइप 4 फोर्थ क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या है भाई, कि एक पाइप है जो एक सिस्टर्न को भर सकती है, टंकी को फिलअप कर सकती है 25 मिनट में, दूसरी पाइप है जो उसे खाली कर सकती है 20 मिनट में। पाइप ए 25 मिनट में भर सकती है और पाइप बी जो है उसे 20 मिनट में खाली कर सकता है। आगे पढ़े बिना ही आप देखो डायरेक्टली बोलो क्या होगा, ये 25 मिनट में भर सकता है और ये खाली कर सकता है 20 मिनट में, किसका टाइम कम है, खाली करने वाले का टाइम कम है तो डेफिनेटली ये टंकी खाली होनी है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, इफ द सिस्टर्न इज कंप्लीटली फिल्ड, अगर ये टंकी पूरी तरह से भरी हुई है और हम दोनों ही पाइप को एक साथ खोल दे रहे हैं, दोनों ही पाइप को क्या कर रहे हैं, एक साथ अगर हम ओपन कर दे रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा कि ये टंकी खाली हो जाए। टंकी भरी हुई है, भरने वाले को खोला, खाली करने वाले को खोला, ओपन खाली करने वाले एम्प्टी करने वाली पाइप जो है वो कम टाइम ले रहा तो टैंक एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। कितने टाइम में होगा, देखो ए का पहले टाइमिंग देखो 25 मिनट, बी का टाइमिंग देखो कितना ले रहा 20 मिनट, अगला काम हमारा वही होगा, एक ऐसा नंबर लो जो 25 और 20 दोनों से डिवाइड हो जाए, तो द नंबर इज 100, 25 फोर जा और 25 जा, ये चार यूनिट जब तक भरेगी उतने टाइम में ये 5 यूनिट खाली कर चुका होगा। फिर से हमें इनका डिफरेंस लेना, अंतर लेना है, तो डिफरेंस कितना आ गया 1 का, ठीक है। अब ये ज्यादा कौन है, ये पाइप बी क्या कर रहा, खाली कर रहा है, तो इसको एम्प्टी करने में जो टाइम लगेगा 100 यूनिट को 1 यूनिट पर मिनट के रेट से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 100 मिनट। ये 100 मिनट किस में लगेगा, इस टैंक को खाली करने में लगेगा। आगे बात समझ में, तो बस क्या हुआ, पहले दोनों पाइप खाली कर रहे थे, दोनों पाइप भर रहे थे, एक भर रहा था दूसरा खाली कर रहा था, भरने वाले का टाइम कम था टैंक भर गया, ठीक। यहां पर खाली करने वाले का टाइम ज्यादा है तो भरा हुआ टैंक खाली हो गया, क्लियर है। अगला एक और टाइप देख लो। अब देखो जैसे ये इस टाइप का क्वेश्चन है, क्या है फिफ्थ टाइप, कि भाई दो पाइप है, पाइप ए और पाइप बी टंकी को भर सकते हैं 10 मिनट और 15 मिनट में, ए 10 मिनट में, बी 15 मिनट में इस टैंक को भर सकता है, लेकिन वहीं पर एक तीसरा पाइप है सी जो इसे 12 मिनट में खाली कर सकता है, पाइप सी इसे खाली कर सकता है 12 मिनट में, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, अगर तीनों पाइप एक साथ ओपन कर दिए जाए तो ये टैंक भरेगी या खाली होगी, जो भी होना है उसमें कितना टाइम लगेगा, तो भरेगी या खाली होगी ये चीज आपको कैसे पता चलेगा, देखो अगर ये भरेगी या खाली होगी ये बात आपको कैसे पता चलेगी, उसके लिए आप देखिए क्या होगा, 15 10 ये 25 ये 12, अब वो क्या होगा वो हम बाद में देखते हैं। यहां पर लिखेंगे ए बी और सी, तीनों को लिखो, तीनों का टाइमिंग लिखो, ए का टाइमिंग कितना है 10 मिनट, बी का टाइमिंग क्या है 15 मिनट और सी का टाइमिंग क्या है 12 मिनट, हो गया। ऐसा टाइमिंग लो या ऐसा नंबर लो जो 10 15 12 तीनों से डिवाइड हो, ऐसा टाइमिंग हो गया 60, 10 से डिवाइड करोगे 6 आएगा, 15 से डिवाइड करोगे 4 आएगा और 12 से डिवाइड करोगे 5 आएगा। ए और बी भरने वाले हैं तो दोनों को ऐड करो
छह और चार मिला के कितना हो गया, दस। सी खाली करने वाला है तो सी का टाइम इफिशियंसी इसमें से माइनस करो तो दस माइनस पांच क्या हो गया, पांच। अगर भरने वालों का टोटल सम खाली करने वाले से ज्यादा है तो ये टैंक भरेगा, और अगर खाली करने वालों का टोटल सम या वैल्यू भरने वालों से ज्यादा है तो ये टैंक खाली हो जाएगा। क्लियर आ रही बात समझ में? अब देखिए, भरने वाला ए और बी है, इनका एफिशिएंसी छह और चार, तो छह चार दस, पांच खाली करने वाला है तो दस में से पांच माइनस करो, आंसर आ गया पांच। यूनिट है 60 और ये पांच यूनिट एक मिनट का काम है तो पांच से डिवाइड करो, आंसर आ गया 12 और ये मिनट में है इसलिए मिनट आंसर हुआ। 12 मिनट में ये टैंक ये क्या हो जाएगा, भर जाएगा। आई बात समझ में? तो आप देख रहे हैं कि ये जैसे हमने टाइम एंड वर्क का किया था बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह से है, इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता टैंक में। भाई दो पाइप भर रहा, एक खाली कर रहा है तो दो को एक साथ जोड़ लो, खाली करने वाला माइनस कर दो, ठीक है। हो सकता है एक भरेगा दो खाली करेंगे तो दोनों खाली करने वालों का एक साथ जोड़ लो, भरने वाले में से डिफरेंस निकाल लो, भरने वाला अलग होगा खाली करने वाला अलग होगा, जो एक पोर्शन ज्यादा हो, खाली करने वाली की वैल्यू ज्यादा हुई तो पाइप खाली हो जाएगा, इस टोटल वैल्यू को बस केवल यहां वाले डिफरेंस से डिवाइड कर दो, ठीक है। और अगर भरने वाला ज्यादा है तब भी इसको इससे डिवाइड कर दो, तो दो पाइप या तो भरेंगे दोनों खाली करेंगे, एक भरेगा एक खाली करेगा, उसमें से भरने वाला ज्यादा स्पीड में हुआ तो भर जाएगा, खाली करने वाले की स्पीड ज्यादा हुई मतलब कम टाइम ले रहा है तो खाली हो जाएगा, दो भर रहा है एक खाली कर रहा है, ये तो ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो इसी बस यही हो गया, इसी तरह के क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, इसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से आप डरते। तो हमारे ख्याल से पाइप एंड सिस्टम के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इसी टाइप के हो जाने चाहिए आपसे, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो हमने डिटेल्स आपको दे रखे हैं आप वहां पर अपनी क्वेरीज अपने क्वेश्चंस मेरे पास भेज सकते हो, और हम भी ढूंढेंगे अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इसके अलावा आता है तो मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में बना करके उसको भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच आप सबका वीडियो को देखने के लिए। बस आप सबसे एक ही निवेदन है कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें भी। एक चीज और आप समझ लीजिए, आपको मैं बार बार ये चीज समझा रहा हूं कि आप YouTube में जब भी सर्च करिए DRS Maths, ठीक है, आप इसको पहले सर्च करिए, सर्च करने के बाद में जो चैनल का DP है, जो फोटो पिक्चर जो लगी हुई है उसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, एक दो यहां पर थर्ड ऑप्शन आपको मिलेगा प्लेलिस्ट का, और जैसे ही आप प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे, इसको जब आप क्लिक करोगे तो चैप्टर वाइज वीडियोज आपको मिल जाएंगे। कैसे वीडियोस आपको मिल जाएंगे? चैप्टर वाइज वीडियोस आपको मिल जाएंगे, वहां से आप सारे वीडियो चैप्टर वाइज देख सकते हो जो कि हमने बनाए हुए हैं, ठीक है। इस जानकारी को शेयर भी करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।